ठीक है, साइंस का चौथा पार्ट, और तीन पार्ट कर लिए हैं, चौथा पार्ट कर रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चनों का सागर रायन बुक से। ठीक है, कशेरुकु दंड का प्रथम कशेरुकाओं को क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। कशेरुक दंड की दूसरी कशेरुकाओं को क्या कहते हैं? एक्सिसस। किस अस्थि को कंधे की ब्लेड कहा जाता है? इसके पुला को कंधे की ब्लेड कहा जाता है। कशेरुदंड का अंतिम अस्थि कौन सी होती है? काक्सीजियस कहा जाता है। किस अस्थि को चिक बोन कहा जाता है? जाइगोमेट्रिक को कहा जाता है। कोर संधि का उदाहरण है कोहनी का जोड़ व घुटने का जोड़। सहसर्पी संधि का उदाहरण है टार्सल के बीच टखने का जोड़, कार्पल्स के बीच कलाई का जोड़। दुराग्र संधि का उदाहरण है गर्दन का जोड़, खोपड़ी व एटलस के बीच, एटलस एक्सिस के बीच। अंगूठे कार्पल्स प्रथम मेटाकार्पस के जोड़ का उदाहरण प्रयाण संधि। कलाई में रेडियम व कार्पल्स के बीच संधि को कॉन्डिलॉइड कहा जाता है। मेटाकार्पल्स तथा प्लेंजेंज अंगूठों को छोड़कर के बीच की संधि को क्या कहा जाता है? कॉन्डिलॉइड कहा जाता है। दो प्लेंजेंज के बीच की संधि को कोर संधि कहा जाता है। स्टर्नम एवं क्लेविकल के बीच संधि को क्या कहा जाता है? सहसर्पी संधि कहा जाता है। कार्पल्स अस्थियों के बीच या टार्सल अस्थियों के बीच की संधि को सहसर्पी संधि कहा जाता है। एटलस एक्सिस के बीच की संधि को क्या कहा जाता है? दुराग्र संधि कहा जाता है। अस्थियों में जल की मात्रा कितनी होती है? 20-30% होती है। शरीर में सुषुम्न नाड़ी कहाँ से गुजरती है? कशेरुकु दंड के अंदर से गुजरती है। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि ब्रेस्ट बोन ब्रिज ऑफ रिब्स कहते हैं? स्टर्नम छाती वाली को। सबसे बड़ी घिसने वाली अस्थि कौन सी होती है? पटेला घुटने में होती है। इस अस्थि को सिन बोन संधि कहा जाता है, टीबिया को कहा जाता है। एचलिस टेंडन किस हड्डी से जुड़ा होता है? एडी की काल के नियम संधि को कहा जाता है। मनुष्य की नासा गुहा किस अस्थि से गुजरती, किस अस्थि से मिलकर बनी होती है? टबाइनल अस्थि तथा नेजल मैक्सिलरी और एथमाइड। घर्षणी की लंबाई कितनी होती है? 5 इंच होती है। घर्षणी के कितने भाग होते हैं? नासा घर्षणी, मुख घर्षणी और स्वतंत्र घर्षणी। घर्षणी को स्वतंत्र से जोड़ने वाली संरचना होती है स्वर यंत्र, लेरिंग्स कहा जाता है। स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार पर पति समान कपाट को कहा जाता है इपिग्लाइटिस कहा जाता है। मनुष्य में स्वर यंत्र होते हैं दो जोड़ी, एक तो मिथ्या स्वर तंतु मोटे तथा एक गुलाबी रंग, दूसरा सवाई स्वर तंतु पतले सफेद रंग के होते हैं। दोनों स्वर तंतुओं के बीच दरार को क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहा जाता है। श्वास नली का द्वार कहलाता है कंठ द्वार तथा ग्लोटिस कहा जाता है। श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 10-12 सेमी तथा सी के छल्ले होते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं। श्वसन की क्रियात्मक इकाई है वायुकोष। कौन सी है? वायुकोष। अभी पागलों से बोलता हूँ थोड़ी देर। वक्ष गुहा व उदर गुहा को अलग करने वाली मांसपेशी कौन सी है? डायफ्राम मांसपेशी है। बच्चों में फेफड़ों का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। वयस्क में फेफड़ों का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। बायां फेफड़ा दोनों भागों में बटा होता है, उसका भार कितना होता है? 550 ग्राम। दायां फेफड़ा 3 भागों में बटा होता है, उसका भार कितना होता है? 620 ग्राम, उसका 520 ग्राम। ठीक है, फेफड़ों के आवरण के बीच द्रव्य को सिलोमिक द्रव्य कहते हैं। फेफड़ों की दोनों झिल्लियों के बीच पानी भरने से कौन सा रोग हो जाता है? फलूरिसी रोग हो जाता है। ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना क्या कहलाता है?
श्वास बाहरी वायु का ऑक्सीजन का फेफड़ों में बढ़ना क्या कहलाता है? निःश्वसन बाहरी वायु वायु ऑक्सीजन का फेफड़ों में बढ़ना निःश्वसन हाँ बाहरी वायु ऑक्सीजन फेफड़ों में बढ़ना क्या था निःश्वसन कह देता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना क्या कहता है? उच्छ्वसन। फेफड़ों तथा रक्त के बीच गैसीय विनिमय को क्या कहा जाता है? बाह्य श्वसन कहा जाता है। रुधिर व उत्तक द्रव्य के बीच गैसों का निर्मय अंतः श्वसन। कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, ऑक्सी श्वसन और अनायक्सु श्वसन। ऑक्सी श्वसन के खोजकर्ता कौन है? हेंस क्रेब्स। अनऑक्सी श्वसन के खोजकर्ता कौन है? एम्ब्रिडन मेयर ऑफ पाइसन। गले में पाए जाने वाला उभार जिसे टेटुआ भी कहते हैं, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से बड़ा होता है क्या? एडम्स एप्पल। फेफड़ों का आयतन कितना होता है? फेफड़ों का आयतन 2 लीटर। फेफड़ों की क्षमता मापने का वाला उपकरण क्या है? ई पायरोमीटर। मनुष्य में श्वसन दर 12 से 20 प्रति मिनट, नवजात शिशु की श्वसन दर 30 प्रति मिनट, जन्म के समय श्वसन दर 40 से 80 प्रति मिनट। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। सर्वाधिक WBC के कौन से कण पाए जाते हैं? वह सबसे कम कौन से कण पाए जाते हैं? नोट्रोफिल्स है कम बेसोफिल्स। श्वास द्वारा प्रतिदिन कितना पानी शरीर से बाहर निकाल जाता है? 400 मिलीलीटर। फेफड़ों का अध्ययन करने वाली शाखा पल्मोनोजी। यूनिसेफ का पूरा नाम है क्या है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शिशु संकट कोष। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई? 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ का एशिया में कार्यालय कहाँ स्थित है? बैंकॉक में है। हाइगोनिया शब्द की उत्पत्ति किस देवी के नाम से हुई है? यूनान की स्वास्थ्य की देवी हाइजिया। आधुनिक युग में हाइगोनिया का अर्थ क्या है? जीवन विधि या जीवन काल। जल का पीएच मान कितना होता है? 7.4। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक्स 1912 में। सर्वप्रथम किस विटामिन की खोज की गई? विटामिन सी। एस्कोर्बिक एसिड की खोज की गई। भोजन में कितने घटक होते हैं? पानी हुआ, खनिज लवण हुआ, विटामिन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वसा हुआ, प्रोटीन हुआ। भोजन में कार्बनिक तत्व कौन कौन से हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स। किस विटामिन्स का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी का। भोजन के अकार्बनिक तत्व कौन कौन से होते हैं? पानी हुआ, खनिज हुआ। ऊर्जा देने वाला आहार कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। शरीर को सुरक्षित देने वाला आहार कौन सा था? विटामिन्स, खनिज, लवण, प्रोटीन। इस आदमी कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, लैक्टोज। डाइसेकेराइड क्या है? सुक्रोज, मेल्टोज, लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड्स क्या है? ग्लाइकोजन, सेलुलोज और मेल्टोज। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्बल। दूध की प्रोटीन को क्या कहा जाता है? केसिन कहा जाता है। अंडे की प्रोटीन को क्या कहते हैं? एल्बुमिन कहा जाता है। पानी का सूत्र क्या है? H2O। क्लोरीन की कमी से क्या होता है? दंत क्षरण होता है। विटामिन B5 या पेंटोथेनिक एसिड की कमी से क्या होता है? त्वचा में सूजन आ जाती है। विटामिन के या नेप्था क्विनोन की कमी से क्या होता है? हीमोफीलिया, आनुवांशिक रोग।
शरीर को विभिन्न अवयवों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट 65%, प्रोटीन 10 से 15%, मलेरिया वसा 20%। मलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम कब चलाया गया? 1958 में। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर, 1998 में। शीत ज्वर तथा इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा फैलता है? इसके द्वारा फैलता है, वायरस द्वारा फैलता है। तपेदी या क्षय रोग के टीके का आविष्कार किसने किया था? तपेदी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने 1822 में तथा इसके टीके का आविष्कार कुरीन तथा कार्ल मेरी तथा नानन फ्रेंच वैज्ञानिक ने किया था। क्या कह रहे हैं? सीरोसिस रोग किस अंग में होता है? किसमें? यकृत में होता है। जैविकीय प्रक्रिया मूलाधार है कैसी है? पेशीय तंत्र। आरएच फैक्टर किससे संबंधित होते हैं? एंटीजन से होते हैं। ब्लड बैंकों में मानव रक्त को किसके साथ मिलकर रखा गया है? सोडियम क्लोराइड में। हृदय रोग में बढ़ावा कौन देता है? कोलेस्ट्रोल। किस सब्जी में कोलेस्ट्रोल ज़्यादा पाया जाता है? लहसुन में। सर्वप्रथम रेबीज का आक्रमण किस स्थान पर होता है? तंत्रिका तंत्र पर। रुधिर परिस्थितंत्र की खोज किसने की थी? किसने? विलियम हार्वे ने की थी। किसने? विलियम हार्वे ने। अशुद्ध रक्त ले जाने वाली कौन सी धमनी होती है? फुफ्फुसीय धमनी। मनुष्य के हृदय में लब डब की आवाज किसके कारण होती है? त्रिवली और अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से। लाल रक्त कणों में पानी की मात्रा कितनी होती है? 65%। गेस्टोनीमियस कौन से मांसपेशी है? पिंडली की। किस सेंटीग्रेड तापक्रम पर स्वाद ज्ञान सर्वाधिक होता है? 30 से 40 डिग्री। केनाइनन किससे संबंधित होता है? दांतों से। लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 6। लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पेरोटिस ग्रंथि। डेल्टाई मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? कंधे में। ठीक है, आगे चलते हैं। डेल्टाई मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? कंधे में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन किया जाता है छोटी आंत में। बाएं फेफड़े कितने खंड होते हैं? 2। बोन्सियोल्स किससे संबंधित होते हैं? श्वसन तंत्र से। श्वसन नली के द्वार पर एक ढक्कन होता है किसका नाम होता है? एपिग्लॉटिस। डायफ्राम गुंबद नुमा से चपटा किस समय होता है? निःश्वसन समय से। श्वसन प्रक्रिया की श्वसन श्रृंखला में एटीपी के कितने अणु होते हैं? कितने? 38 अणु होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? हेपरिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है कहाँ होता है? यकृत में। शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित रखता है? यकृत में। आंत के भीतर की दीवार किसका मान होता है? एपिथेलियस उत्तक। गुर्दे की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेमी। डायूरेसिस को क्या होता है? मूत्र का अधिक होना। थायराइड हार्मोन की कमी से शरीर का पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि रुक जाती है वह लंबाई नहीं पड़ती है। पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन क्या कार्य है? कैल्शियम फॉस्फोरस को नियंत्रण करना। थाइमस ग्रंथि से होने वाला स्राव प्रवाह शरीर के किस अंग पर पड़ता है? किस अंग पर पड़ता है? जनन अंग पर पड़ता है। किस पर? जनन अंग पर। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो उम्र के साथ घटती है। थाइमस ग्रंथि भ्रूण तथा गर्भाशय के मध्य निम्न रचना संपर्क बनाए रखती है। प्लेसेंटा। महिलाओं में रिलैक्सिन हार्मोन नामक हार्मोन की अधिकता से किस प्रभाव पड़ता है? गर्भाशय गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। पाँव की तली को अंदर की तरफ मोड़ना क्या कहलाता है? इवर्जन। हथेली को आगे तथा ऊपर की तरफ मोड़ना क्या कहलाता है? सुपिनेशन। ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित? आँख से। वेरियोला वायरस कौन सा रोग होता है? तेचक। तिपती या बीमारी से बचने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? डीपीटी का।
डिप्थीरिया रोग किस कीटाणु से होता है? क्लेब्स, लोलर तथा बेसिलस से। कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? कुष्ठ रोग बेसिलस लेप रोग द्वारा होता है। आगे चलते हैं, किस रोग में फलीहा बढ़ जाता है? टाइफाइड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की? 7 अप्रैल 1949 को की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। टाइफाइड रोग किससे प्रभावित करता है? आंत को। मधुमेह रोग किसे प्रभावित करता है? तंत्रिका ना पेक्रियांज को, पेक्रियाज को। आगे चलते हैं, लेथारिज्य रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। लेकाइमल ग्रंथि संबंधित किससे होती है? आँख से। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है? 45 डेसिबल। संधियों के इलेमेशन का कौन सा रोग होता है? आर्थराइट्स। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? लुई पास्टर ने। फर्स्ट एंड शब्द को सास के रूप कब मिलता है? कब मिला? 1889 में मिला था, 1889 में मिला। ठीक है, ये थ्योरी हो गई है कंप्लीट। अब करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आगे चलते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ठीक, मानव कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। त्वचा में मेलेनिन का कार्य क्या होता है? पराबैंगनी प्रकाश से त्वचा की रक्षा करना। निम्नलिखित में किसी सही मायने में रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए एक मशीन कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। मनुष्य में वक्षीय क्षेत्र में कितनी हड्डियाँ होती हैं? कितनी हड्डियाँ होती है? 12 हड्डियाँ होती है। कितनी? 12 हड्डियाँ होती हैं। हृदय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त की मात्रा कहलाती है? क्या कहलाती है? हृदय निर्गम। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ कौन सी होती हैं? पूछते हैं, ग्लूटस मैक्सिमस। एक सिस्टोल एक डायस्टोल से मिलकर एक पूर्ण दिल की धड़कन कितनी देर तक चलती है? 0.8 सेकंड तक चलती है। कोशिकाओं के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी के रूप में जाना जाता है। दूध, मक्खन, घी प्रोटीन प्रधान है। इसमें विटामिन ए और विटामिन डी में प्रधान है। विटामिन बी थ्री किस और से नाम से जाना जाता है? किसे? नियासिन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता? रोगों का नियंत्रण नहीं आता। शरीर के लिए संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है। कैसी होती है? 4:1:1। गेंगा और बढ़े हुए थायराइड ग्रंथि का निदान मुख्य रूप से किस खनिज की कमी वाले रोगों के में किया जाता है? किस रोगों में किया जाता है? आयोडीन कमी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? कौन सा रोग ग्वाशियोर्कर प्रोटीन कमी से होता है? जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर में हमें कहाँ पिवट जोड़ पाया जाता है? गर्दन में पाया जाता है। आगे चलते हैं, निम्न से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी। निम्नलिखित से किसे मनोशारीरिक रोग की श्रेणी में रखे गए हैं? तपेदी रोग को शामिल करें। एक परिसर जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसमें क्या आएगा? ATP। विटामिन B1 नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? थायमीन को जाना जाता है। किस संक्रामक रोग में होनसन रोग कहा जाता है? किसे कहा जाता है?
कुष्ठ रोग को उन्चन कहा जाता है। संकुचन की बुनियादी इकाई है क्या है? सार्कोमेयर। जांग के पीछे की मांसपेशियों को और क्या कहा जाता है? हेमस्ट्रिंग कहा जाता है। स्कूल स्तर के छोटे बच्चों को भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। तकनीकी शर्तों में मांसपेशी पुल कहलाते हैं क्या? कहता है तनाव स्ट्रेन। बायां आलिंद बायां नीले के बीच वॉर्म्स क्या कहलाते हैं? त्रिवलन कहलाते हैं। अधिक बाहर परीक्षण करने से मांसपेशियों को बढ़ाना क्या कहलाता है? मांसपेशियां हाइपरट्रोफी। उत्को की पट्टी जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? स्नायु बंधन टेंडन। दूध में कौन से खनिज पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होती है? CA की। फेफड़ों की क्षमता का मापन किया जाता है किसमें किया जाता है? स्पायरोमीटर में किया जाता है। कौन सी धमनी रक्त हृदय तक पहुंचती है? कोरोनरी धमनी। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? एड्स नहीं है। कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? विटामिन डी मिलता है। अक्षीय अस्थि में कितनी हड्डियाँ होती हैं? अक्षीय अस्थि में 80 होती हैं। निम्न से किस गति में ऊपरी अंग शरीर में पुष्पक्रम में दूर हो जाएंगे? कौन से में हो जाएंगे? अबडक्शन। रक्त में किसकी कमी से शरीर के अंग में सूजन आ जाती है? आरबीसी के कमी में। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? संतरा। किसको एंटी ग्रेविटी मसल्स कहा जाता है? सोलेस। निम्नलिखित से कौन सी शरीर की गुहा जिसमें पीट्स ग्रंथि होती है? क्रेनियल अस्थि। निम्न से कौन शरीर के तापमान नींद भूख को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। निम्न से कौन सा पदार्थ मांसपेशियों को तंत्रिका आवेगों के संतुलन में सहायता करता है? ए एसिटाइल कोलाइन। निम्न से कौन फेफड़ों में गैस विनिमय की अनुमति देता है? एल्यूवेली करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जठ संत्र प्रणाली का एक सहायक अंग है जो इंसुलिन स्रावित करने में की जिम्मेदारी है? अग्नाशय। निम्न से कौन सा पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन को आगे बढ़ाने के लिए पेट की मांसपेशियों के अनुबंधन की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णक होता है? कर्माकुंचन। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस भाग में शुरू होता है? अमावस्या में शुरू होता है। बायां आलिंद रक्त प्राप्त करता है फेफड़े। हार्मोन में निम्न से किसको छोड़कर सभी शामिल हो सकते हैं? अमीनो अम्ल को। प्रत्येक सार्कोमियर के दो सिरों को परिभाषित करने वाली डार्क बैंड क्या कहलाती है? जेड लाइंस कहलाती है। आगे चलते हैं। इसमें से आएगा दाहिने आलिंद के ऊपरी पीछे की दीवार में स्थित विशेष हृदय पेशी तंतुओं का एक समूह कहते हैं ऐसे नोड। हृदय चक्र में वेर्टिकल डायस्टोल का अनुपात कितना होता है? 0.3 से 0.5 सेकंड का होता है। इनमें से कौन सा रक्त घटक हमारे शरीर को बैक्टीरिया और वायरस पर हमला करने के लिए प्रमुख रक्षा प्रदान करता है?
क्या प्रदान करता है? सफेद कोशिकाएं प्रदान करते हैं। क्या सफेद कोशिकाएं प्रदान करती हैं? इनमें से कौन सा हार्मोन वक्र नलिका में पानी के पुनः अवशोषण का कारण बनता है? वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन शोषण दर 15 और ज्वार की मात्रा औसत वाले व्यक्ति का मिनट वेंटिलेशन का क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 5-6 लीटर होना चाहिए। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन फाइबर जो कंकाल की मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? कंड्राटेंडन। इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? एस्कोर्बिक एसिड। मानव शरीर में कुल कितनी अंतःस्रावित ग्रंथि है? कौन सी है? 8। श्वेत रक्त कण जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कण कितना होता है? 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन का होता है। निम्न से मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत होता है। रक्त में लाल रक्त कण सफेद रक्त कण का अनुपात कितना होता है? 600:1। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? 7:4। इसके पुला अस्थि स्थित है कहाँ है? कंधे में। गेस्ट्रोकिनिमियस पेशी स्थित होती है कहाँ? होती है पैर के निचले भाग। निम्न से कौन सी पेशी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। कौन सी जीवन बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेल को। स्टर्नम स्थित है कहाँ है? छाती में। कहाँ है? छाती में। आगे चलते हैं। शब्द फ्यूजी फार्म किससे संबंधित होता है? किससे संबंधित है? बी चिकनी पेशी से संबंधित है। निम्न से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? कौन सा है? डी। तेरा गांव में जी बड़ा थड़का। निम्न से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? टमाटर। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सार्टोरियस। कौन सी है? सार्टोरियस। एंडोक्राइन्स ग्लैंड नहीं है। क्या नहीं है? बी पेरिफेरल। क्या है? पेरिफेरल। कोहनी को मोड़ते समय है बाइसेप्स पेशी कार्य करती है। क्या करती है? एगोनिस्ट का। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए उपयोग है? कौन सा है? कैल्शियम और फॉस्फोरस। निम्न से कौन सा तंत्रिका प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? सेंसरी। निम्न से किसे प्रमुख ग्रंथि कहते हैं? किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। संक्षेपाक्षर HIV का अभिप्राय है क्या है? क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस। इसे कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? कौन से? ग्रेनियम भाग नहीं है। कौन सा? ग्रेनियम। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पर? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? क्रेनियल केविटी में। कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में फैलती है? कौन सी फैलती है? ए रेबीज फैलती है। आहार का ऊर्जा मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? किसमें? कैलोरी में मापा जाता है। निम्न से कौन सी संज्ञानात्मक विकलात्मक इकाई नहीं है? कौन सी नहीं है? संवेद हानि। निम्न से कौन सी प्रोटीन का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? खाद्य तेल। शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है?
मानव शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित से किस व्यायाम में किए गए कार्य को वैज्ञानिक आधार पर कार्य नहीं माना जाता है? किसे नहीं माना जाता? आइसोमेट्रिक व्यायाम को। निम्न से कौन से व्यायाम के कारण होने वाली बीमारी है? कौन सी है? चिकन फॉक्स। कौन सी है? चिकन फॉक्स। आगे चलते हैं। निम्न से कौन से कारक शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता है? कौन सनते हैं? लिखाई पढ़ाई नहीं डालती। इनमें से कब्जा जोड़ का अच्छा उदाहरण है कौन सा है? कोहनी का जोड़। वक्ष अस्थि शरीर का रचनात्मक नाम है कौन है? स्टर्नम। ताकत को इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है? किसके द्वारा मापा जाता है ताकत को? ए डायनेमोमीटर द्वारा। BCG का टीका इनमें से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा करने के लिए दिया जाता है? तपेदी के लिए। जांच की अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम है क्या है? द फीमर है। लाल रुधिर कणिकाएं उत्पन्न होती हैं किससे होती है? लाल रुधिर कणिकाएं अस्थि मज्जा में। किस में होती हैं? अस्थि मज्जा में। नेत्रों सूक्ष्म संरचना होती है गुर्दे की। किसकी होती है? गुर्दे की होती है। उच्च रक्त शर्करा स्तर किससे नियंत्रण होती है? किससे होती है? इंसुलिन से होती है। मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है? कितना परसेंट होता है? कितना होता है 40% होता है। कितना? 40%। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है किसका है? ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। खिलाड़ी का हृदय क्या होता है? हाइपर ट्रॉफी स्थित होता है। निम्न से कौन सा केवल प्रोटीन में उपस्थित होता है? कौन से होते हैं? नाइट्रोजन। कौन से होते हैं? नाइट्रोजन। मांसपेशियों के अध्ययन मायोलॉजी कहा जाता है। आयोडीन की कमी से रोग किस कौन सा होता है? आयोडीन गहंगा रोग होता है। डिप्थीरिया रोग का संबंध है किससे? कंठ से है। अस्थियों के कार्य को कहा जाता है अस्थियों के कार्य को क्या कहा जाता है? सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, 101 नंबर पाचन ग्रंथि के शरीर के तरफ होता है। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। ठीक है, पार्ट नंबर चार हो गए हैं। कुछ थ्योरी थी, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। ठीक है, धन्यवाद। सागर रैन बुक के हैं क्वेश्चन, इनको तैयार करेंगे।